चलना आया बड़ा। अरे ओ तू जाने बकवास मत करे। भाई जिम में जाने से कोई फिटनेस नहीं होती है। ये देख मैं तो नहीं जाती जिम, देसी घी खा के कितनी फिट हो रही हूँ, इसे कहते हैं फिटनेस। ओ एक फूक मार दी ना सीधी पाड़ा मजाक पड़ेगी, समझ गई? क्या बात कर रहे भाई, फिर मार देना एक फूक, मजा आएगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही है में, पता है मारना। अरे ओ दिमाग विमाग चल गया तेरा, चुपचाप चल ले, बात करने लग रही बड़ा। अच्छा ठीक है तो डर गया, मैं समझ गई। अगर नहीं डरा तो ठीक है फिर लगा लेते हैं रेस, देख लेते कौन ताकतवर है कौन नहीं, कौन फिट है कौन नहीं। हाँ ठीक है लगा ले आजा। ठीक है 1 2 क्या हुआ, हो गई तेरी फिटनेस? अबे चल अदिति, अदिति अरे यार इसको क्या हो गया, अदिति उठ। अरे यार एक पे मोटी भैंस, अदिति क्या हो गया यार उठ ले। अरे यार ये कहीं मर तो नहीं गई है यार, ये अगर मर गई होगी ना पापा मेरे को पास से पटांग देंगे। अदिति 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 उठ जा यार, क्या हो गया तेरे को? अदिति अदिति यार उठ जा यार, क्या हो गया तेरे को यार, उठ जा यार। अंकल ओ तेरे एक चाटा मारो ना खींचा के, अभी बता दूंगा तेरा वो अंकल तेरा भाई हूँ मैं, समझ गई? मेरी बहन का है। बहन है? अबे बहन नहीं है, भाई हूँ मैं तेरा भाई। मेरा भाई थोड़ी है, मेरी तो बहन है, मम्मी पापा। पापा मम्मी पापा, अरे यार मेरे को तो लगता है इसकी याददाश्त चली गई। पापा आ गए तुम दोनों, फटाफट नहा धो लो, खाना खाओ और पढ़ाई पे बैठ जाओ। अरे अंकल ये कौन है, इस घर के नौकर है क्या? अरे ओ मैं कोई अंकल मंकल ना हूँ, पहली बात है मेरा तो भाई बोल, समझ गई? अच्छा ठीक है भाई, इस घर के नौकर है क्या, इतना इतरा रहे हैं? अरे यार ये मन ने तो पहचान भी ना रही कि मैं इसका भाई हूँ। अरे सुनो पता चल गया ना कि नौकरी से दिखने वाला मेरा बाप है, यह तो और सदमे में चली जाएगी। हाँ हाँ बहन ये नौकरी है हमारे घर के। हैं ए नौकर इधर आ, मुझे ना गड़ा गड़ा खेलना है। अच्छा गड़ा गड़ा खेलते हैं। तमीज नहीं है, अपने बाप को नौकर बोलती है, नौकर होगा तेरा बाप। नौकर कितना जवान चलाता है। अरे पापा वो ना इसकी याददाश्त चली गई। क्या याददाश्त कैसे चली गई? तो गिर गई। अच्छा अगर तुम दोनों का हो गया हो तो मैं बोलूं इधर आ, मेरे को घोड़ा घोड़ा खेलना है, जल्दी आ। ठीक है बेटा खेल लेते घोड़ा घोड़ा। चल हाथी मेरे साथी, हाथी मेरे साथी। चल मेरे को कुछ खाने के लिए लेकर आ, जल्दी जाओ। हाँ हाँ ला रहा हूँ, एक बार ना इसकी याददाश्त वापस आ जाए फिर बताता हूँ इसको तुम्हें।
अब मैं ना नहाने जा रही हूँ, आके गाऊंगे बाकी। बेटा। हाँ पापा। एक बात बता, तुम दोनों को रेस लगाने की क्या जरूरत थी? अरे पापा छोड़ दो ना, हो गया ना, अब मेरे को थोड़ी पता था इसकी आदत चली जाएगी। वैसे ना मेरे पास एक आइडिया है, हम ना एक काम करते हैं, इसको ना दोबारा से धक्का देके गिरा देते हैं, क्या पता इसकी आदत वापस आ जाए, मैंने ना फिल्मों में देखा है ऐसा। सही है। पापा हम ना एक काम करते हैं, इसको भूत बन के डराते हैं और ये भागेगी और एकदम झटके से गिरेगी तो इसकी याददाश्त वापस आ सकती है। हाँ बेटा सही कह रहा है तू, सही लगा ना आइडिया। हाँ ये दोनों यहाँ पे क्यों सो रहे हैं? मुझे क्या? बहन। बहन? अरे मेरा मतलब अदिति, वो तेरे को ना मैं स्कूटी सिखाता हूँ, चल आजा। स्कूटी? पर एकदम से कैसे? हाँ वो है ना, मुझे तुझे देख के ना अपनी बिछड़ी हुई बहन की याद आती है, वो ना कुंभ के मेले में खो गई थी, तो मैंने सोचा कि तेरे को स्कूटी सिखा देता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो भैया फिर चला जा। चले अरे अरे रुक तो जा, अबे चुड़ैल रुक जा ना, अबे तू चला रहा है, ब्रेक छोड़। बस जी मैं तो वही चीज से परेशान हूँ, एक तो गैस और एक मेरी बेटी की याद। हे भगवान, बस मेरी बेटी की याददाश्त वापस आ जाए। कम बात क्या कर, समझ के आ गए देख लो, चाहे तो मेरी याददाश्त आ गया। पापा 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 प्लीज तो ना पापा, भाई देखिए पापा को क्या हो गया, उठो पापा, देखियो पापा को क्या हो गया भाई। एक मिनट, तेरी तो याददाश्त चली गई थी ना, तेरे को कैसे पता है पापा है? भाई याद कर। उठ जा यार, उठ यार, क्या हो गया इसको अदिति? ओह नो, उठ जा यार। ओ, ओ। बस ना नौकर बना के मजा लेना चाहती थी, सॉरी। तेरी तो मोटी, लो जाता हूँ तेरे को। अरे भाई भाई भाई, मुझे बाल में पीटी हो, पहले पापा को देख लेना, वो उठो। मैं कहाँ हूँ, तुम दोनों कौन हो? पुष्पा, वो मुझे लेने आ गई। पुष्पा, लगता है पापा की याद चली गई। भाई मुझे तो लगता है जिस तरीके से पापा इस घर को देख रहे हैं ना, इनकी आदत सच में चली गई है। हाँ बहन, लग तो मेरे को भी यही रहा है। आसाराम बाबू, आपके चरण की धरे प्रभु। अरे अरे मैं कोई आसाराम नहीं हूँ, मैं आपका डॉक्टर हूँ। डॉक्टर? डॉक्टर क्या कर रहा है मेरे घर में? वो आपका बीपी लो हो गया था ना, इसलिए मैं आया। तो अब मेरा बीपी तेज चल रहा है? हाँ अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। चलो ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ।
तुम दोनों कौन हो? हम आपके सेवक हैं। मतलब नौकर। पर तुम दोनों के कपड़े तो नौकरों वाले नहीं लग रहे। अरे वो कल रक्षाबंधन है ना, तो आपने शॉपिंग करवाई थी हमें, तो नए कपड़े पहने हमने आज। काश मेरी बीवी होती, दो बच्चे होते, वो भी रक्षाबंधन बनाते। चलो हम चलते हैं प्रणाम। ए किधर, मुझे हल्का होने जाना है, लेके चलो। ओए लेके जा। तू जाएगा, मैं क्यों जाऊँ, मैं लड़की हूँ। तो क्या हो गया, तू जा, तू लेके। तू जाएगा। मैं नहीं जा रहा, तू जाएगी। तू जाएगा। तू जाएगी। तू जाएगा। तू जाएगी। तू जाएगा। मैंने मैं तुम दोनों को तनख्वाह किस चीज की देता हूँ, दोनों लेके चलो। गिरा मत देना। तो क्या कर दिया? ये कैसी स्मेल है? हाँ बहन सही कह रही है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। हाँ भाई बहुत गंदी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी बेहोश हो जाऊंगी मैं। अरे बहन तू क्या बात कर रही है, तू सोच मैं पापा के साथ पहले रोज सोता था, मेरा क्या हाल होता होगा। हाँ भाई अब समझ रही हूँ। अरे ये दोनों कहाँ गए, दोनों ही नौकर काम चोर। इन्हें इस बार नौकरी से निकाल दूंगा, आधी सैलरी दूंगा। बस बहुत हो गया। अब जरा मैं निकाल के आता हूँ, उसके बाद कुछ खाता हूँ। अरे रसगुल्ला तो भूल गया। काम करता हूँ, जाने से पहले एक रसगुल्ला उठा लेता हूँ, बाथरूम में बैठ के खाऊंगा। भाई पापा ने दुखी कर दिया है। हाँ बहन कह तो सही रही है, पर कोई नहीं, हम वैसे ही पापा कौन सा काम करते हैं, इस बहाने हम पापा की सेवा तो कर रहे हैं ना। बात तो सही कह रहा है तू, पर भाई आज राखी है और हम हर त्योहार पापा के साथ बनाते थे, और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि हम उनके बच्चे हैं, ये राखी कैसे बनाएंगे हम। क्या पता पापा की याददाश्त वापस आ जाए।
वापस आ गई। हाँ सरी तने जो सपने मन सवारे हैं साया बन तेरी गेल रहूं अज बने गवा चन तारे हैं चल ला मेरा गिफ्ट तेरा गिफ्ट एक मिनट रुक जाते प्यारी लगे शान एक बात या तने बताऊं मैं लड़ना भी ये तेरा गिफ्ट कुत्ता कहीं गया ये कोई गिफ्ट होता है तुम और मार ऐसे करते देख लो पापा ऐसे अच्छा रुक जा तेरा गिफ्ट ऊपर रखा है मीरा में अभी लेके आता हूँ रुक मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ तो कैसी लगी आपको वीडियो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इसके और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ दुश्मनों के साथ भाइयों के साथ बहनों के साथ सबके साथ कर देना यार और एंड तक देखना वीडियो को भैया कैसे पिटे मारते हैं दिया तो देखना जरूर तब तक मैं जल्दी बाकी कुछ मत करना बाकी कुछ मत करना बहुत हो गया।